एवरीवन hey यह है वॉइस विद वारिकू मेरे यानी अंकुर वारिकु के साथ इस हिंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीजें कवर करता हूं करियर रिलेशनशिप्स पर्सनल फाइनेंस सक्सेस फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय जहन में आता है हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड वॉइस विद वारिकू मैं पिछले दस दिन से यूएस में था शिकागो विजिट कर रहा था फिर मिशिगन फिर न्यूयॉर्क बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिला बहुत बहुत वक्त के बाद पहले शिकागो में लैंड किया वहाँ तीन दिन था मुझे शहर बहुत पसंद है मैं वहाँ अक्सर जाया करता था क्योंकि जब मैं ग्रुप ऑन इंडिया चला रहा था तो ग्रुप ऑन का जो क्वार्टर है वो शिकागो में तो हर तीन महीने में वहाँ जाना पड़ता था तो मुझे शिकागो का वेदर बहुत पसंद है क्योंकि मैं अक्सर गर्मियों में ही जाता था तो डेफिनेटली वेदर बहुत अच्छा होता है वहाँ की हिस्ट्री बहुत ज्यादा है वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को का ना एक अच्छा सा बैलेंस लगता है शिकागो तो मैं जब गया तो मैं बहुत चला वॉकिंग टूर्स करे बहुत सारा टाइम कैफेज में बिताया वर्किंग थिंकिंग राइटिंग लेकिन एक ऐसे शहर का एहसास हो रहा था जो पेंडेमिक के बाद है एक एनर्जी ना थोड़ी मिसिंग सी थी जो मैंने पहले बहुत महसूस करी थी अब नहीं दिख रही थी फिर शिकागो के बाद मिशिगन गया मिशिगन में स्पेसिफिकली लैंसिंग जो कि मिशिगन की कैपिटल सिटी है और लैंसिंग में ईस्ट लैंसिंग जो एरिया है वहां मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां का मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ तो एग्जैक्टली exactly 20 साल बाद तो 20 साल पहले मैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था एज अ पी स्टूडेंट एंड फिर दो साल बाद मैंने अपनी पी से ड्रॉप आउट किया तो उन्होंने मुझे एक टॉक के लिए बुलाया था विच वॉज सो फैसिनेटिंग क्योंकि एक स्टूडेंट जिसने ड्रॉप आउट किया उसको वापस एक टॉक के लिए बुलाया जा रहा है बहुत अच्छा सा रहा टॉक तीन दिन वहाँ बिताए लोगों से मिला अपना डिपार्टमेंट जो अपनी बिल्डिंग थी पुरानी उसको विजिट किया कैंपस में बहुत चला एंड जो 20 साल पहले का अंकुर है उसको याद करने की कोशिश कि क्या उसके इमोशंस थे क्या मेरे आज के इमोशन है बहुत बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था इनफैक्ट जब मैं अपनी बिल्डिंग में गया तो जिस ऑफिस की डेस्क में मैं काम करता था मैं वहां तक गया और वो ना बदला ही नहीं है लिटरली ऐसा लग रहा था कि बीस साल से वहां किसी कोई बैठा ही नहीं है वो बिल्कुल वैसे ही डेस्क था जैसे मैं उसको छोड़ के गया था बीस साल बाद तो वहां फोटो वोटो खिंचवाई बहुत अच्छा लगा आ, फिर टॉक भी दिया और लास्ट दिन में जब आ, मैं मिशिगन में था तो मैं एक स्टार्टअप इवेंट का जज था तो पंद्रह टीम्स थी जो अपने स्टार्टअप आइडिया पिच कर रही थी एंड उनका जो चैलेंज था वो विन करने का ऑब्जेक्टिव था अगर जीतते तो पंद्रह हजार डॉलर मिलते फिफ्थ पोजीशन को दस हजार डॉलर मिलते और बीच बीच में जो भी वो लोग थे एंड एक बहुत ही मार्क्ड डिफरेंस और अंतर दिखा मुझे इन द पिचेस जो मैंने उनसे सुनी जो कि ज्यादातर अमेरिकन स्टूडेंट थे और वो पिचेस जो मैं भारत में सुनता हूँ लेकिन इसके बारे में मैं बाद में आऊंगा क्योंकि यही मेरे पॉडकास्ट एपिसोड का मूल है फिर मिशिगन के बाद में न्यूयॉर्क गया वहां सबसे पहले मैं साहिल ब्लूम से मिला अगर आप ट्विटर पे वक्त बिताते हैं तो आप साहिल को जानते होंगे साहिल बहुत ही अकम्पलिश क्रिएटर है मोस्ट फेमस ट्विटर पे है और बहुत डीप थिंकर है सिर्फ इकतीस साल के हैं लेकिन इस कमेंडेबल की कैसे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं हमने करीब चार घंटे एक साथ बिताए बहुत बारी बातें करी एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया डिनर किया एक साथ और बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज करे फिर उसके बाद मैं समीर से मिला समीर मेरा मिशिगन स्टेट का रूममेट था उसकी फैमिली को मिलके इतने सालों बाद एंड हाई ऑफ न्यूयॉर्क वाज मीटिंग थ्री ऑफ माय क्लोजेस्ट क्लासमेट्स हम एक ही क्लास में डॉन बॉस्को स्कूल अलकनंदा दिल्ली में पढ़ते थे चारों की बहुत अच्छी दोस्ती थी लेकिन मैं हर एक इंसान से अलग अलग काफी बार मिल चुका हूँ लेकिन हम चारों एक साथ स्कूल से निकलने के बाद कभी नहीं मिले तो हम पहली बार 25 साल बाद न्यूयॉर्क शहर में मिले वो तीनों यूएस में रहते हैं मैं वहां गया था लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि हम 25 साल बाद मिल रहे हैं एक साथ ऐसा लगा कि जहां हमने छोड़ा था वहीं से हमने शुरुआत करी तो बहुत हंसे खाया बहुत सारी स्ट्यूपट चीजें करी बहुत चला बहुत प्यार एक दूसरे के लिए दिखाया और जो पुरानी यादें थी उसको बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करी फिर लास्ट दिन न्यूयॉर्क में मैं गैरी वी से मिला गैरी वे नक कॉन्टेंट क्रिएशन के खुदा माने जाते हैं तो उन्होंने मुझे तो खासकर बहुत इंस्पायर किया है ऑन माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है उनसे तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता था फॉर बींग द इनविजिबल टीचर एंड द बेस्ट पॉसिबल इनविजिबल टीचर दैट आई कुड हैव गॉट फिर जब मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट के लिए वेट कर रहा था मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ यूएस एक बहुत बढ़िया देश है लाइक like डेवलप्ड है प्रोसेस ड्रिवन है बहुत खूबसूरत है बहुत कन्वीनियंट है हर एक चीज़ अबंडेंस में मिलती है लोग बड़े अच्छे हैं लेकिन एक चीज़ है जो मुझे लगता है यूएस में अब मिसिंग है और वो है फ्यूचर की तरफ एक एक्साइटमेंट मैं इसको ग्रोथ की खुशबू बुलाता हूं भारत में ये ग्रोथ की खुशबू है जहां भी आप जाएंगे ना आप ग्रोथ को महसूस कर सकते हैं एक इंसेन लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है फ्यूचर की तरफ एक सर्टन लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म है जो कि रैशनैलिटी के बियॉन्ड चली जाती है कोई सर पैर नहीं है जैसे मैं इन स्टूडेंट्स को इवेल्यूट कर रहा था जो कि स्टार्टअप चैलेंज में थे मुझे दिख रहा था कि वो बहुत स्मार्ट है कोई शक नहीं बहुत स्मार्ट है लेकिन कुछ ना उन्हें रोक रहा था जैसे कि उन्हें पता था कि उनकी क्षमता क्या है और उन्हें यह भी पता था कि क्षमता के बियॉन्ड वो जा नहीं सकते लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स को हमारे देश में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है उनकी क्षमता क्या है उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर सकते हैं और इसकी वजह से वो रुकते नहीं है वो बल्कि इतना आगे चले जाते हैं कि वो उड़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पंख भी नहीं है वो बोलते हैं कि यार फिगर आउट कर लेंगे कुछ ना कुछ तरीका निकल आएगा वो एनर्जी जो है ना वो कंटेजियस है वो बहुत खूबसूरत है बहुत रेयर है यही एनर्जी हमें चाहिए यही एनर्जी हमारे पास है यही एनर्जी इस देश के अगले 10, 20, 30, 50 साल चलाएगी और हमें बढ़ाएगी मुझे वाकई में ऐसा लगता है कि ये हमारा वक्त है मुझे वाकई में लगता है कि ये भारत का मोमेंट है एंड मैं आशा करता हूं कि ये वाकई में हमारा मोमेंट हो बहुत अच्छा लग रहा है वापस आकर ग्रोथ को महसूस कर पा रहा हूं उसकी खुशबू सूंख पा रहा हूं आपको ऐसा लगता है बताइए मुझे अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर